नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धातीच और आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के प्रोबेशनरों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे। परेड में 29 विदेशी अधिकारी प्रशिक्षु सहित कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु भाग लेंगे। एसवीपी एनपीए के निदेशक एएस राजन ने आईपीएस प्रोबेशनरों के 74 आरआर बैच के विवरण का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत परेड की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि 37 महिला अधिकारी, जो कुल संख्या का 23% है, दीक्षांत परेड में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि परेड की कमान केरल केडर के आईपीएस सहनसा के एस द्वारा संभाली जाएगी, जो 74 आरआर के चरण एक में हरफल मौला टॉपर हैं। भूटान के 6, मालदीव के 8, नेपाल के 5 और मॉरिशस के 10 अधिकारी प्रशिक्षु भी अकादमी से पास आउट होंगे। निदेशक ने कहा कि पूरे 105 सप्ताह के प्रशिक्षण में 15 सप्ताह का फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण और 50 सप्ताह का फेज 1 बेसिक कोर्स शामिल है। इसके बाद संबंधित संवर्गों राज्यों में 30 सप्ताह का जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण और एसवीपी एनपीए में 10 सप्ताह का चरण द्वितीय बुनियादी कोर्स आयोजित किया गया। निदेशक ने कहा कि पहली बार एनएलएएसएआर के साथ एसवीपी एनपीए एमओयू के तहत एक हिस्से के रूप में अधिकारी प्रशिक्षकों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होगी और विदेशों से अधिकारी प्रशिक्षकों को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी प्राप्त होंगे। निदेशक ने यह भी कहा कि भारत में पुलिस अधिकारियों की वर्तमान नौकरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोर्स मॉड्यूल तैयार किया गया था। कोर्स के दौरान मनोवर्ती प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया गया, जिसमें अधिकारी प्रशिक्षकों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और पीड़ित केंद्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिली। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दी ऑफिसर्स के साथ। शुक्रिया।